नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुन करके आपको आश्चर्य होगा। मैं बताने वाला हूं कि आज रात शबनम की जेल में आखिरी रात हो सकती है। ऐसा मैं दो कारणों की वजह से मैं आपको बता रहा हूं और ये दो कारण आपको बस दो मिनट में पता चलने वाला है। तो दो मिनट आपको वीडियो जरूर देखना है ताकि आपको वो दो कारण कौन सी है जो लगता है कि शबनम की जेल में आज आखिरी रात हो सकती है। तो इसके लिए आप वीडियो पे जरूर पूरा बने रहें और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अभी तक अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियो के अंत तक भी लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा है तो। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों शबनम केस में हम लोगों ने देखा कि शबनम किस तरह से जेल में रह रही है। लगभग 14 साल से, लगभग 13 से 14 साल मैं कह रहा हूँ, इस बीच शबनम ने अपना समय बिताया जेल में बताया। ये लगभग 14 साल एक उम्र कैद की बराबर होती है। जब किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है तब उसका जो टेन्योर होता है जेल में वो 14 साल का होता है लगभग। उसके बाद उसका अच्छा व्यवहार देख करके उसे छोड़ दिया जाता है। तो लगभग उम्र कैद की सजा बिता चुकी है। लेकिन दो कारण ऐसे हैं जो अभी भी लगता है शबनम को डर। पहला कारण होता है डर का डर ही होता है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति को किसी भी चीज़ से डर लगता है अगर वो उसका सामना करे तो उसका डर खत्म हो जाता है। लेकिन इस केस में शबनम को फांसी से डर लगता है, तो क्या इसका मतलब फांसी का सामना करे, ये बात है। तो लगभग पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया डर है, वो डर जो है वो फांसी के वजह से है, यानी कि शबनम को लगता है कि इसी महीने में डेथ वारंट आने वाला है। तो अगर डेथ वारंट इशू हो जाएगी तो यानी कंफर्मेशन आ जाएगी कि शबनम को फांसी किस दिन होगी। डेथ वारंट का मतलब ही यही होता है कि एक डेट एक टाइम बता दिया जाता है कि इस दिन उसको फांसी होगी। दूसरा कारण जो मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा कारण होता है कि इतने दिनों से जो रह रही है आसपास वहाँ का माहौल, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग शबनम को, जेल में जितने सारे कैदी हैं सभी लोग जानते हैं कि शबनम को अब फांसी होने वाली है, यानी सब लोग को पता है कि ये कैदी है और इसको बहुत ही जल्द फांसी होने वाली है। तो उसका नज़रिया बदल जाता है, सामने वाले का व्यवहार बदल जाता है। जब आपका फ्यूचर के बारे में जब किसी को पता चल जाता है तो उसका ऑटोमेटिक उसका व्यवहार बदल जाता है। ठीक ऐसा ही हो रहा है शबनम के साथ जेल में। तो ये दो कारण है जो लगता है शबनम को कि उसको बहुत ही जल्द जो है फांसी होने वाली है और लोगों का व्यवहार बदलता जा रहा है, तो इस वजह से उसको सबसे ज़्यादा डर लगने लगा है। और ऐसा लगने लगा है कि शबनम की हर एक रात काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अब दिन बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो यही वो दो कारण है। आशा करते हैं ये दोनों कारण आपको पता नहीं होगा, या होगा तो आप, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।